स्नानं भवन दीपेन न संशय पद्म पुराण। और भोजन करते हैं हम लोग, कोर तोड़ी, अगर गले में घंटी है, कोर तोड़ी रोटी की सब्जी के साथ लगाई, मुख में डाली, जीभ से आनंद लेते हुए वो कंठ में प्रवेश करती है, कंठ में तुलसी जी है हमारे, उसको स्पर्श करके जब वो अन्न का दाना, अन्न का कोर हमारे पेट उदर में जाता है, तो लिखा है सिखते सिखते तू लभते बाज मेदी फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर सौ सौ अश्वमेध यज्ञ को लुटा देते हैं तुलसी जी। ये है तुलसी जी की महिमा। सबते बड़ी तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मारे ताको चक्र सुदर्शन जारे। जिसके गले में तुलसी है, मस्तक पर तिलक है ना, श्री भगवान अपना चक्र लेकर के उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। भगवान को इतनी प्यारी है। जैसे कोई नई नई दुल्हन है, वो अपने मस्तक पर तिलक बिंदी को सुशोभित करती है, गले में मंगलसूत्र को सुशोभित करती है ना, है ना, मांग में सिंदूर है, और जब वो घर के बाहर जाती है, जब वो चलती है, तो चलने के बाद सामने दिखा, सामने खड़ा हुआ कोई कामी व्यक्ति उस पर दृष्टिपात करता है, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र है, मस्तक पे बिंदी है, मांग में सिंदूर है, तो वो कामी व्यक्ति देख करके एक बार सावधान हो जाएगा कि ये किसी दूसरे की परिणीता है, इसने किसी दूसरे का पाणि ग्रहण किया है, ये किसी से विवाहिता है, ये इनका किसी से विवाह हो चुका है, इनके पिता ने किसी वर के हाथ को पकड़ के इसका हाथ उस वर के हाथ के ऊपर रख करके और वेद के मंत्रों के द्वारा शुभाशुभ से और इसका कन्या दान किया है, अतः एव यह पाणि ग्रहणा है, अतः ये पतिव्रता है, तो इस पर नजर डाल, इस पर वो दृष्टि नहीं करता। ऐसे ही जब हम लोग मस्तक पर तिलक लगा करके जाते हैं, गले में तुलसी माला पहन करके जाते हैं और हाथ में माला झोली होती है और हम लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे ही निकलेंगे और दूर से मान लो कोई गंदी वासना और कामना सामने खड़ी हो जाए, तो एक बार देख करके वो भी सावधान हो जाएगी कि अब इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये श्री गोविंद का है, ये श्री माधव का है, ये राधा जी के प्यारे का है। भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीला है, भगवान की कितने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, हम लोग सुनते हैं। दुनिया की ऐरी गैरी बातों को सुन करके तो मन में हलचल ही मच जाएगी, अच्छा उसने वो कह दिया और तुमने क्या कहा उसको, तुमने क्या कहा उसको, तो भाई मैंने तो एक बस तुमने गलती कर दी, तुमने कह दिया, तो वो भड़केगी भड़केगी, ये सब चलता रहेगा। कोई छोटी मोटी घर में बात हो जाती है तो देखना पूरे दिन मन में यही रहता है, उसके साथ वो बात हो गई, उसके साथ वो बात हो गई, फिर तीसरे से पूछेगी अरे उसके साथ मेरी ये बात हो गई, अभी वो बता सुलह कैसे करें, बस ये सारा का सारा प्रोसीजर चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ऐसे ही दिन जाते रहेंगे, दिन जाते रहेंगे, दिन जाते रहेंगे, और आखिरी में क्या होगा जानते हैं, ऊपर पहुंचोगे ना, जब ऊपर पहुंचोगे बिना भजन के अगर गए तो ऊपर क्या होगा, यमराज क्या करेंगे, अरे लेंगे तेरी डंडन से खबरिया, भजन ना बनो तेरी डंडन से खबरिया, भजन ना बनो, ऊपर वो डंडे से खबर लेंगे कैसे बीतेगी हमारी पूरी जीवन, अरे कब हो कियो ना भजन वा, कैसे बीतेगी कब कियो ना भजन वा, कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी रे तेरी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे तेरी, कैसे बीतेगी, अरे कब कियो ना भजन वा, कैसे बीतेगी। शुरू में क्या किया बचपन में, खूब खाए खेले, बचपन निकल गया, बालापन हंसी खेल गवाया, और फिर आई मस्त जवानी, और फिर बुढ़ापा आया, तो आया जब ही बुढ़ापा तो फिर बहुए मारे ताने, बुढ़ापा आ गया, आने के बाद फिर बहुए ताना मारती, अरे कब जाएगा,
अरे कब ही मरी है ई बूढ़नवा, कैसे जीतेगी कब ही मरी है ई बूढ़नवा, कैसे जीतेगी अरे कब कियो ना भजनवा, कैसे जीतेगी आखिरी में यही होगा ना, कैसे बीतेगी इसकी चिंता है, इसकी चिंता है ना हमें कि कैसे बीतेगी, चिंता इसी की करनी चाहिए कि क्या होगा, है ना, यही चिंता करते हैं ना हम लोग, क्या होगा, यही है। तो इस कारण से आप लोग तिलक और कंठी जरूर धारण कीजिए भगवान के अमृतमय चरित्र को, देखो भगवान से आप लोग सुनते हो ना, सोचते हो ठाकुर जी में मन नहीं लग रहा, ठाकुर जी में प्रेम नहीं हो रहा, कैसे होएगा, भगवान की कथा को अपना जीवन बना लो। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं इतना साधन नहीं करता, सत्य कह रहा हूं, मैं इतना साधन नहीं करता, ना मेरे अंदर इतना जप का प्रभाव है, ना इतना व्रत का प्रभाव है, ना इतना तप का प्रभाव है, ना फल का, ना अनुष्ठान का प्रभाव है, पर मेरे को सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तो भगवान की कथा सुनना ही लगता है, भगवान की कथा ही प्यारी लगती है सुनने, बाकी सब मेरा किसी में और कोई मन नहीं है, लेकिन मेरे को भगवान की कथा सुनना और सुनाना दोनों अमृत लगता है, और इसलिए मुझे ठाकुर जी से प्रेम है। यदि कथा को अपना जीवन मान लोगे, प्राण मान लोगे, तो अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब कथा अच्छी लगने लग जाएगी तो बांके बिहारी अच्छे लगने लग जाएंगे, बांके बिहारी की वो लीला कितनी सुंदर सुंदर लीला है, यशोदा मैया खड़ी है डंडा लेकर के और ठाकुर जी नीचे खड़े हैं, बोल रहे हैं ना ठाकुर जी, मारे मत मैया वचन भरवाई ले, पर मारे मत मैया वचन भरवाई ले, वचन भरवाई ले चाहे सौगंध खवाई ले, वचन भरवाई ले चाहे सौगंध खवा, पर मारे मत मैया वचन भरवाई ले, पर मारे मत मैया वचन भरवाई ले, अरे गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, अरे क्षीर सागर में मोहे ठाड़ो करवाई ले, क्षीर सागर में मोहे ठाड़ो करवाई, पर मारे मत मैया वचन भरवाई, अरे मन सुख की खवाई ले चाहे धन सुख की खवाई ले, मन सुख की खवाई ले चाहे धन सुख की खवाई ले, अरे दारू जी भैया पे मेरो हाथ धरवाई ले, दारू जी भैया पे मेरो हाथ धरवाई ले, पर मारे मत मैया वचन भरवाई ले, मारे मत मैया वचन भरवाई ले। तो आप लोग महाराज जी के सामने कह रहे हो ना तिलक और कंठी पहनोगे, लेकिन किससे हाथ उठाओ सब, तिलक और तिलक लगाओगे और कंठी पहनोगे ना, जिस जिसको भी अपना कल्याण करना है, संत आपके पास आए हैं, देखो आप लोग महाराज जी से कंठी अवश्य लीजिए, जरूर लीजिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ ठाकुर जी रक्षा में साक्षात खड़े रहेंगे, हमने अनुभव किया है, सब संत अनुभव कर चुके हैं, इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय जय श्री राम। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। देखो कम से कम हम गुरु जी से तीन चीज लेते हैं, कितना चीज लेते हैं, तीन कह दो, तीन चीज क्या है, बोले ललाटी तिलकम नास्ती ये जम कहे, जब जमदूतो ने पूछे आप, बोले भैया किसको किसको, जम महाराज बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आना। जब दूत ने कहा भैया हमें पता नहीं चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता है, मेरे को पता तो बता दो,
कम से कम जिस चीजों को देख करके मेरे को पता चली जाए, फिर हम वहां जाऊंगा ही नहीं, फिर हमको मार खाना पड़ेगा। हाँ देखो ये जम स्वयं कहते बोले ललाती तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। ये जम कह रहे मैं नहीं कहता, ये जम महाराज है धर्मराज है कहते। उनको शरीर में तीन लक्षण देखोगे, पहला क्या देखोगे ललाटे तिलक, ललाट में इसको तिलक देखोगे, क्या देखोगे तिलक, गले में तुलसी कंठी देखोगे और हाथों में प्रभु की माला की झोला देखोगे। ये तीन चीजें होगा हैं। कोई कोई कहते हैं अरे दुनिया को दिखाने का जरूरत, इतने लंबा तिलक लगाकर दुनिया को दिखाओ। देखो हमारे गुरु जी कहते हैं कोई विधवा कोई सधवा हमें कोई पता नहीं चल रहा है। जो सधवा है सिंदूर लगाए मांग भरे मंगल सूत्र हाथ में शंखा है ना, किससे पता चलता भैया ये सधवा विधवा है। भैया जब तुम जगत का पति के लिए इतना धारण कर लिया, शादी कब सुनी है? शादी से पहले तुम्हारी पति से कोई मतलब होता तुम्हें? बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो डाइवोर्स हो गया तो गया, नहीं तो दो दिन बाद मरना ही है। भैया कितना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जिसका चुड़ल अमर हो जाए। जब दो दिन पति के लिए तुमने इतने मांग भरी हो, जो जन्म जन्मांतर के हमारे पति है, जो हर समय पति रहेंगे हैं, जो थे अभी है और बाद में जो पति रहेंगे, तो उनके लिए कितना नहीं करने चाहिए। कोई कहते ना अरे अंदर में रखना भक्ति, इतना बड़े तिलक कला में कटी तो पति को तो अंदर में रखना, उतना मांग सिंदूर की भरी हो, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तो इतना इसलिए दुनिया को दिखा रहे हो उतना, जब तो दुनिया को दिखाने के लिए इतने मांग सिंदूर भर दिया दो दिन के पति के लिए हैं, जो जन्मे और मर जाए तब तो भगवान के लिए कुछ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए कि नहीं। इसलिए जैसे तुम्हारी पति है या हमारे गुरु जी जैसे तुम्हारी पति है, अभी तुम्हारे सारे सधवा का श्रृंगार उतर दो, मांग मिटा दो, सिंदूर मिटा दो, मंगलसूत्र निकाल दो, हाथ की शंखा चुड़ियों को तोड़ दो और एकदम सफेद साड़ी पहन लो और पहन करके अपना पति को पास में चले जाओ। बताओ तुम्हें पति स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलो पति स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलेगा भैया क्या जिंदा रहते रहते तुमने मुझे मार डाली तुमने। बोलेगा ना क्या तू जिंदा रहते रहते तुमने मार डाली। जब तू कहीं जगत का पति ही तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, वो परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। इसलिए दो पति है, कितना पति है? एक शरीर का पति और एक परम पति है। एक ये शरीर का पति और एक हमारी जन्म जन्मांतर का जो परम पति। परम पति कौन है? श्री गोविंद है, ठाकुर जी है, ठीक है ना। क्या करनी? गला में तुलसी कट्ठी जरूर पहनो। मैं बताता हूँ ना, जब महाराज कहते हैं बोले देखो पता कैसे चलेगा भक्ति करता है कि नहीं, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू और एक फालतू। जो पालतू कुत्ते हैं देखना गला में उसके पट्टी पट्टा बंधा रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते रोड रोड में घूमते हैं देखना, पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, पालतू को कोई मारेगा नहीं, पता है ना इसका मालिक। आप देख लेना अगर किसके पालतू कुत्ता तुमने कुछ कर दिया वो मालिक तेरे को छोड़ेगा? बोले जानते नहीं है मेरे कुत्ते, कुत्ते के लिए तो इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर घर में, ये मेरे कुत्ते को तुमने ऐसे किया किया कैसे? जब ये जगत का अगर कोई थोड़ा उल्टा पुलटा कर दे छोड़ता नहीं मालिक, अगर गले में कंठी हो ना हम किसके कुत्ते है? भगवान कृष्ण के कुत्ते, बांके बिहारी के कुत्ते। अगर थोड़ी कोई आंख उठाकर देखेगा ना बांके बिहारी छोड़ेगा नहीं। तेरे को पता है ये कुत्ते किसके हैं? ये किसके भक्त है तेरे को पता है? मेरे भक्त हैं, ठीक है ना। गला में कंठी धारण करना और तिलक जरूर लगाना। तिलक सवेरे उठ करके सबसे पहला, जैसे माताएं अब नहा धोकर सबसे पहले क्या करते हो? जो सधवा सिंदूर लगाते हो मांग भरते कि नहीं? इसलिए उसको साथ साथ में भी तिलक लगा लो। देखो जो तिलक है ना ये गोपियों की चरण धूलि पृथ्वी में कहीं नहीं मिलती है, ये केवल द्वारका में मिलता है। नारद से ये धूल को अपना सर पर लेकर गए द्वारका, भगवान का सर दर्द बुखार हुई है, भगवान लीला कर रहे थे, बोले तभी मेरी सही होगी जब मेरे को कोई भक्त चरण धूल देगा। कोई दिया नहीं ये ब्रज
ब्रज गोपियों ने ये चरण धुल दिया नारद जी इसको लेकर के गए कहां पर द्वारका गए द्वारका गए हो कोई तुम लोग कौन द्वारका गए हो कोई नहीं गए जिसमें वहां पर एक गोपी तालाब है वही सही ये मिट्टी मिलेगी ऐसे मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वही पर इतने सुंदर मिट्टी केवल वही मिलती है इसलिए भक्तों का चरण धोली और ये जो तिलक दो है ना यदि दो ठाकुर का चरण है उसको नीचे देखो जैसे ठाकुर के चरण तुलसी बता देते हैं उसका सेव तुलसी बता जैसे मानो ठाकुर जी के चरण मैंने तुलसी डाल ठीक है जरूर तिलक धारण करना ये तिलक अगर जमदूत देख लिया ना जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना जैसे कोई स्त्री जैसे मांग भरी सिंदूर मंगल सूत्र चूड़ी देख करके कोई कामी पुरुष उसके ऊपर नजर नहीं देता है क्यों पता चलता भैया किसका परिणाम परिणीता है इसको ऊपर गद्दे नजर पड़ जाओ उसी तरह काल भी जम दूत भी जब देखते हैं कि ललाट में तुम्हारे तिलक है वो समझ जाते हैं किसका परिणता है बोले बांके बिहारी की है किसकी है ये बांके बिहारी की परिणता भैया इनको ऊपर आग उठाकर मत दे दो आग निकाल देंगे ठाकुर जी आग निकाल देंगे इसलिए क्या करना ललाट में जरूर ये गोपियों की चरण धूल लगाना और शास्त्र में बताया आपके ललाट में तिलक है आपके ललाट में तिलक है कहते ये तिलक को जो दर्शन करता है ना उसको साक्षात बांके बिहारी दर्शन करने का बल मिल जाता है ये भगवान की मंदिर है ठाकुर जी की हरी मंदिर है इसको दर्शन से बांके बिहारी दर्शन करने का फल मिल जाती है आप ये तिलक लगा कर कहीं बाहर जाओ ना तुम्हारे ऊपर में कोई भूत पिशाच डाकिन शाकिन कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगी देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ ये सही घटना है अभी ये अशोक नगर है ना हम वहाँ कथा करते हैं टेंट वाले जानते हैं ना जो वहाँ भागवत कथा कराते हैं उनकी इनकी बेटा की बेटी थी केवल 2 साल की वो 6 मंजिल ऊपर रहते थे अभी उसकी माँ भी तिलक लगाती वो भी 6 मंजिले की बेटी को उसने तिलक लगा दी वो बच्ची ऊपर 6 मंजिल ऊपर से ये झांक रही थी वो झांकते झांकते नीचे गिरी कितने मंजिल से 6 मंजिल से गिरी सही घटना है वो तिलक लगाई जाती थी वो गिरा तो कुछ नहीं हुआ 6 मंजिल से कोई 2 साल की बच्ची गिरे क्या होगा छत तो हो जाएगी कुछ नहीं हुआ उसको मतलब कारण है वो तिलक लगा कर रखी थी अब देखना भगवान कृष्ण राम हनुमान को देखो ठाकुर जी तिलक लगाए हुए अब तो हिंदू है देखना जैसे कोई अच्छे कोई काम में जा रहे हैं बिजनेस में तिलक लगा कर भेजते भैया जा तेरे काम बन जाए जैसे घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा जब तक तिलक नहीं लगाएगा तुम्हारी पूजा ही नहीं करेगा क्योंकि तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा निष्फल है इसलिए पुराण में एक श्लोक आया कहते ठाकुर को पूजा करने से पैसे जो फल मिलता है जो व्यक्ति तिलक लगा करके ठाकुर को पूजा करेगा उसकी 1000 गुण फल मिलेगा तिलक लगा कर जब ठाकुर को तुम सेवा पूजा करोगे ठीक है ना सबके सब तिलक लगाना गले में कंठी पहनना और भगवान की माला जप करिए कौन कौन मेरे से माला कौन कौन लिए हाथ उठा कौन कौन माला हाथ उठा हुए हाथ नहीं उठा रहे क्या चक्कर है कौन कौन लिया माला इसलिए इधर सुनो हरे कृष्णा हाँ इधर सुनो इसलिए जो लोग माला नहीं लिए सुना जो माला ले लो क्योंकि जीवन में देखना जो कुछ करना कर लो जो कुछ करना जीवन में कर लो लेकिन जब अंतिम समय आता है जब शरीर तुम्हारी छूट जाएगी क्या बोलते बोलते ले कोई नहीं बोलेगा तेरा बेटा सच्चा है तेरा नाती सच्चा तेरे पोती सच्चा तेरे दुकान वकान सच्चा बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात झूठा है बेटा जितने तुमने राम कृष्ण का नाम लिया ना अभी तेरे साथ में वही जा रहा है इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो तुमने झूठे में बिताया पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजे तक जाएगी पत्नी उसका आगे नहीं जाएंगी परिवार वाले कहाँ तक जाएंगे शमशान तक जाएंगी उसको आगे कोई भी जाने वाले नहीं हाँ देखो ये भागवत बता जब व्यक्ति मर जाता है ना ध्यान देकर सुनो जब व्यक्ति भगवान समझाते हैं अपना माँ को कह रहे बोले माँ जब कोई मरने का बाद उसको जम महाराज के पास में ले जाते दरबार में और उसको दरबार में खड़े कर देते जम महाराज के सामने खड़े कर देते उसी समय जम महाराज ने उनसे प्रश्न करते जान तो क्या प्रश्न करेंगे ये नहीं बोलेंगे तुमने कहाँ शादी की कितना नौकरी की कितने कमाई की कितना पैसा था ये सब पूछेंगे नहीं ध्यान देकर सुना केवल एक ही बात पूछेंगे तुमको ये 84 लक्ष जन्म के बाद में
हमें जो मानव शरीर दिया था दुर्लभ जीवन, तुमने कितने भजन किए हो, कितने तुमने भजन किए, कितने माला जपी हो, केवल यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, वास्तु अमोल कर दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो। इसलिए बिरा के भजन से आप सुने हो, कहते भैया पायो जी, मैंने पाया क्या पाया जीवन में, बोले राम रतन धन पायो, जितने प्रभु राम की भजन किया वही पाया, और जगत में सब ही खवायो, जगत में सब ले, जगत का कोई भी वस्तु नहीं मिला। कहते ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़ता सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहिए ऐसे कथा नहीं, कहते चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, हर दिन दिन बढ़त सबाए, ये धन कभी घटेगी नहीं, ये धन सबल बढ़ते रहेगी। देखो ध्यान दे, जैसे आज तुम्हारे पास में, हमारे गुरुजी कहते थे तुम्हारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है जोर से बोला, अभी तुम्हारी सैलरी छुट्टी, बताओ यहाँ से कितना धन जाएगा, क्यों नहीं जाएगी, तुमने कमाया ना, तुमने दिन रात कष्ट करके कमाया ना, फिर जाएगी नहीं, क्यों हाँ नहीं जाएगी, धन नहीं जाएगी। हाँ देखो हमारे गुरु जी क्या कहते, ध्यान देकर सुना, मानो इसी जीवन में कमाते कमाते तुम मर गया, नेक्स्ट जीवन में पास घर में तुम्हारी जन्म हो गई, लेकिन ऐसे घर में जन्म हुई इतने गरीब जो रिक्शा चलते, अभी दिन भर परिश्रम करके रोटी भी तुम्हारे नसीब में नहीं जुट रहा है, लेकिन तुम्हारी याद है पूर्व जन्म में ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, मानो तुम्हें याद है ये बात, तुम जाकर के अपना बेटी बेटा पत्नी से बोलो, पहले जीवन में मैंने इसे पैसा कमाया है, ये मेरी दुकान मकान, बेटा कुछ पैसा दे दे, अभी रोटी नहीं मिल रहा है, बताओ तुम्हारे बेटा बेटी पत्नी देगी, बोला जोर से, पत्नी तो डंडा लेकर सर फोड़ने आएगी, पत्नी तुम्हारी डंडे लेकर सर फोड़ने आएगी, बच्चे थप्पड़ मारे, अरे पागल कांगाल कहां से आ गए। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, तुमने कमाया तुम्हारी संपत्ति केवल तुम्हारी चुला तो बदली और तो कुछ नहीं, एक पैसा भी यहाँ से छू नहीं सकते हो, एक पैसा यहाँ से छू नहीं सकते हो। लेकिन मीरा कहती है, भैया ऐसे कौन सा धन है जिसको पत्नी अगर कमाएगी पति नहीं ले सकता है, जिसको पति कमाएगा पत्नी नहीं ले सकती है, जिसको पिता कमाएगा बेटे नहीं ले सकते हैं, जिसको बेटा कमाएगा पिता नहीं ले सकता है, जो कमाएगा मरते समय पूरा के पूरा तेरे साथ में जाएगा, पूरा के पूरा तेरे साथ में जाएगा, उसको कोई भी नहीं ले सकते, ऐसे कौन सा धन है। इसलिए मीरा कहती है, बोले चोर नहीं ले बे लुटे नहीं जावे, दिन दिन बड़ा तसबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। जिसको चोर नहीं लेने वाले, लूटने वाले नहीं, लूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहेगी, वो कौन सा धन है, प्रभु का नाम धन है। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की नाम जप करो। किधर देखो मेरे तरफ में, किधर देखो, एक समय चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, बोले भगवान बोले सबके घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ, बोले प्रभु किसको घर में खाओगे, बोले जो लखपति बनेगा, जो ये कितना साल पहले, 500 साल पहले, लखपति मतलब है जिस स्वर्ण मोहर हो, उस समय 1-1 रुपया के सोने की मोहर, भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर होगा,
हमारे घर 10 रुपया नहीं, 10 रुपया जिसको 10 तोला सोना हो, बोले फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते, 1 लाख ठाकुर जी के नाम जाप करते, वही हाँ वही असली धन है, वही लखपति है। इसलिए विद्या कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिछाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिछाऊं गली गली, ले लो रे कोई आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिछाऊं गली गली। अब लोग सब जानते हैं भजन को, हैं विद्या कहती है भैया कौन इसको लूटे, यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए। बोले भैया कौन कौन माला माल हो गए? बोले तुलसी मीरा और नरसी का हैं, तुलसीदास मीराबाई नरसी बकर, जगत में क्या हो गए? जगत में सब माला माल हो गए, क्या हो गए? अभी उनको दुनिया पूजा करता कि नहीं? लेकिन अभी का जो यंग स्टार है ना, वो कहता हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनना चाहते, सबका इच्छा हैं, सबका इच्छा, हम सब बॉलीवुड में हीरो हीरोइन। आप लोगों ने माता जी बात मत करो, इसलिए बोले आप लोगों ने श्रीदेवी का नाम सुने हो? कौन कौन श्रीदेवी का नाम जानते हो बोलो? देखो कुछ दिन पहले मर गए ना, बाघ रूप में मर गए, अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे। देखो ये जगत में कब तक इनका नाम होता है? जब तक वो फिल्म में काम करते। अभी 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, दुनिया में तो कोई नाम ले रहा है? बताओ कोई ले रहा है इनका नाम दुनिया में? आप बताओ हनुमान का नाम ले रहे कि नहीं? सब ले रहे महाराज। तुलसीदास का, मीरा जी की, हाँ देखो हीरो बनना तो हनुमान जैसे, हीरोइन बनना तो मीरा जैसे बनो। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनके नाम चलते रहेगी, इनका नाम कभी जगत से मिटेगी नहीं। इसलिए दुनिया में आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लो, 2 दिन बाद में सब खत्म हो जाएगा। जैसे मोदी 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 क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पहले मनमोहन सिंह था, अभी मनमोहन का कोई नाम ले रहा है? मनमोहन का कोई नाम ले रहा है? नहीं ले रहे। हाँ इसलिए कहते अगर बड़ा बनना ना भगवान की भक्त बन करके बड़े बन जाओ, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी, जगत का पोस्ट का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं, ठीक है ना? इसलिए कौन सा धन में धनी बनना? भगवान के नाम धन में धनी। हाँ मेरे तरफ से देखो, तब इधर देखो ध्यान लेकर के, अब कैसे लखपति बनोगे? ये लखपति कैसे बनोगे? मेरे ध्यान देकर देखो, ये असली चीज है। जैसे ये माला है ना, इसमें 108 मोती है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण, बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके ना इसमें 1 मोती सरकाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें 2 मोती सरकाते हैं। देखो लखपति कैसे बनोगे? जैसे हरे कृष्ण ए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। जब एक बार नाम जप किया 16 बार, इसमें 108 मोती है। अगर 1 राउंड उत्पन्न माला कर ली ना, हिसाब लगाओ कितना हो गया। अगर 16 राउंड उत्पन्न माला कर दी, 16 माला 25,000, अगर 64 माला कर ली ना 1 लाख। भगवान स्वयं कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। भगवान स्वयं कहते हैं, भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी? बोले दीन बड़ा तो सब आयो पायो जी में।
लाख माला किया ना, कल तुमको 2,25,000, और 4 दिन में 2,00,000, कितना हो गया, कितना हो गया, 2,00,000। ये धन जब शरीर छूटेगा ना, जब ऊपर जाओगे, जब कापी खुलेगा ब्याज समेत, वहां पर तुमको कापी खोलोगे तो ब्याज समेत तुमको धन मिलेगा। आप लोगों ने कबीर का नाम सुने हो, कौन कौन कबीर दास का नाम सुने? देखो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं जगत में मरने के लिए जग डरे, अगर मरने का नाम सुना कांप उठते हैं, भैया हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, मरना नहीं चाहते। लेकिन कबीर कहते हैं भैया मेरा मन आनंद, मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कबीर को बोला भैया दुनिया मरने के लिए डरते हैं, तू खुश क्यों? देखो क्या कहते हैं, बोले कब मरियो कब भेटियो परमानंद, बोले इसलिए मैं सुखी हो रहा हूँ जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया। क्या क्या है, भगवान के नाम जप किया, भजन किया, मेरे को पता है मेरे लिए ना VIP व्यवस्था ऊपर होगी, क्योंकि ये धन पूरा के पूरा मेरे साथ में जाएगी। कहते भैया दुनिया मरने के लिए क्यों डरते, बोले इसलिए डरते हैं भजन किया नहीं ना, ये भजन नहीं किया, भक्ति भक्ति कुछ किया ही नहीं, दिन भर विषय भोग करते करते जीवन को बिताया, टीवी देख करके गप्पे मार करके जीवन बिताए, जानते हैं मरने के बाद डंडा मार मार कर दे जाएगा, डंडे मार मार करके, इसलिए सबके सब डरते हैं, ठीक है ना। क्या करना, माला जप करना, कौन कौन जप करेगा, हाथ उठा, हाथ उठा, कौन कौन जप करेगा, डरो मत, इसमें कुछ हाथ उठा, देखो हाँ कोई हाथ नहीं उठा, तो भगवान की माला जप करना पड़ेगा। देखो इधर बार तो चुपचाप बैठे, इनको बोलो ना सिनेमा जाओ साथ में, माला नहीं है ना, फालतू फालतू घूमते जब लोग, हाँ इधर देखो माला, अब लोग हमारी जो सुनीता दीदी है ना, इधर सुन लो, जिनको माला लेने की इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, ये दीदी को साथ में कल सवेरे आ जाओ, 8 बजे 7 बजे 9 बजे ठीक है, जो जो लेना चाहते हो कल इसको साथ में आ जाना, मैं यहीं पर पास में रुका हूँ, आ जाओगे तो आपको मैं माला दे दूंगा, ठीक है। अब जिसको इच्छा है आकर के कल माला लेकर के आ जाना, और भगवान की भक्ति करो, देखो बच्चों को अंदर में भी ये संस्कार डालो, बच्चे भी तुम्हारे अंदर में संस्कार बने, उसको भी एक एक माला, उसको बच्चों को भी एक एक माला जप कराओ, खुद भी जप करो और बच्चे को भी जप कराओ। इधर देखो ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान देखो, देखो जैसे बच्चे तुमने जन्म दी, कहते जो बच्चा भगवान की भक्ति करेगा, भगवान कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी, और पिता माता पहले वैकुंठ जाएंगे, उसको बाद में बच्चा जाता है, क्यों, बच्चे को पिता माता ने जन्म दिया, जो जन्म दिया बच्चा अगर भक्ति करेगा तो 21 पीढ़ी उधार हो जाएगी। अगर बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर गए, शराब पिए, चूहा खेले, सिगरेट फूके, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, बोले तुमने जो बच्चे जन्म दिया ना, वो बच्चे जो पाप कर रहे हो, पाप तेरे बोले, जैसे उसका पुण्य तुम ले रहे हो, उसका बच्चा बच्चा अगर गलत रास्ता पर गया उसका पाप सब लेना पड़ेगा। देखो पुराण में कथा है, कोई एक योगी पहुंचा स्वर्ग में, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया सेवा कर रही थी लेकिन बैठ बैठ कर रो रहा था और बेहोश हो रहा था। इतने में उसने पूछा वो जोगी ने, भैया तुमने स्वर्ग में आए इतने पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग में आए, पर यहाँ पर रो क्यों रहे, यहाँ पर रो क्यों रहे और दुखी क्यों हो रहे, यहाँ से कृष्ण आता है, वो क्या कहता है, बोले मैंने बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए उसका फल स्वरूप तो स्वर्ग में आया, लेकिन बच्चों को मैंने भक्ति में नहीं लगाया, और मैंने जो बच्चों को जन्म दिया था वो बच्चे अभी शराब पी रहे हैं, वो बच्चे अभी जुआ खेल रहे हैं, अभी वो मांस मछली खा रहे हैं, क्योंकि मैंने जन्म दी मेरे पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, ये स्वर्ग में भी मेरे को शांति नहीं मिली है। पुराण कहता है अगर तुमने बच्चे जन्म दे दिया, बच्चे अगर गलत रास्ता पर गए उसका पाप भी स्वर्ग में हो मरने का बाद है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, पहला संस्कार किससे पड़ेगा, पिता माता, सबसे पहले पिता माता से ही संस्कार पड़ेगा, अगर पिता माता भजन करेंगे तब तो बच्चे भजन करेंगे ना, और तू दिन भर स्मार्टफोन लेकर चला रहे हो, दिन भर टीवी खोल कर बैठे हो, भजन भजन से तुम्हारी कोई मतलब नहीं, तो बच्चे संस्कार कहाँ से बनेंगे, वो तो पहला संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। सब हरिनाम करो, भक्ति करो और बच्चों को अंदर में संस्कार डालाओ, बच्चों को लेकर, हाँ देखो
अभी हम यहाँ कथा कर रहे हैं ना, जो यंग बच्चे जो लिखे पड़े हैं क्लास 7, 8, 9, 10, 12, वो बच्चों के लिए हम अलग क्लास देंगे। ये बच्चे कैसे भक्ति करें, ये बच्चे कैसे भक्ति मार्ग में चले जाए, कथा हो रही ना। जिसकी इच्छा होगी अपना नाम दे देना और फोन नंबर दे देना, हम इन लोगों को बुला करके हम अलग क्लास कराएंगे। जैसे बच्चे अच्छे संस्कारी बने, पिता माता की चरण छुए, पिता माता के आदेश से पालन करे। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ना, एक ही बात बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे उसको माला नहीं जब कराया, भजन की बात स्मार्टफोन पकड़ा दिया, ले इसमें बर्बाद हो सकते हो। लेकिन एक भक्ति की कोई बात नहीं सिखाई, ठीक है ना। अगर चाहते हो हमारी संसार भगवान के धाम बने, देखो जिनके घर में प्रोग्राम हो रही ना, माता जी कहाँ गई, खड़े हो जाओ। देखो ये माता जी है, हाँ सबको दर्शन दो। देखो ये भक्ति में आई, देखो तिलक लगाई, उसका बेटी को देखो तिलक लगाई, उसको दामाद को देखो भी तिलक लगाए, दामाद है ना, कौन है ये दामाद, देखो उसको नाती पोती को तिलक लगाए, बच्चों को सब तिलक लगाए, सब इनके घर में ठाकुर को देखा, कितने बढ़िया ठाकुर है। देखो हाँ देखो इनको बेटा को देखो, इनके सुपुत्र को देखो तिलक लगाए, उनका बहू कहाँ गई तुम्हारी, देखना उसको बहू को देखना तिलक लगा दी, गले करती, कारण क्या है, ये भक्ति में आ रहे हैं। पहला संस्कार पिता माता से ही पड़ता है, हैं? पहले तुम खुद करोगे नहीं, बच्चों को बोले तू कर कर कर, कैसे करेगा। इसलिए सब कैसा भगवान की भजन करो, भक्ति करो, तुम्हारी घर भगवान की धाम बन जाए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो इधर हमारे 12 सेक्टर मंदिर है, वहाँ पर कब कब प्रोग्राम होता है, हर संडे।